Hello everyone, welcome to Economics by Vishwanarpita. So in this lecture series of growth and development, today we'll be studying the effect of technological progress. Ye series chal rahi hai jo ki growth and development ki hai, solo model ka continuation hai. So pichle video ke andar I have told you ki effect kya hota hai jab population ka increase hota hai to kya hota hai. Today we'll be seeing what will be the effect of technological progress. सो अगर हमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को इनकोऑपरेट करना है तो हम जो हमारा एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन उसे हम कैसे लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल. और यहाँ पे जब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात आती है तो यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाती है, नंबर ऑफ एफिशिएंट वर्कर्स कितने हैं. सो लेबर के साथ एफिशिएंसी जुड़ जाती है जिसके अंदर E जो है दैट इज द न्यू वेरिएबल विच इज नोन एज एफिशिएंसी ऑफ वर्कर. क्या होता है एफिशिएंसी ऑफ वर्कर या लेबर यू कैन से. सो जब टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस होगा तो एफिशिएंसी जो है वर्कर्स की वो बढ़ जाएगी. एज अवेलेबल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाती है तो एफिशिएंसी जो वर्कर की है दैट विल इंक्रीज. जो कि ये बेसिकली ई इंटू क्या, ई तो दैट इज़ बेसिकली हमने बता दिया एफिशिएंसी ऑफ लेबर. ई इंटू एल की बात करें तो दैट बेसिकली मेजर क्या मेजर करता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव वर्कर्स. क्या मेजर करेगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव वर्कर्स को मेजर करेगा. और ये जो है दैट विल टेक इंटू अकाउंट कितने नंबर ऑफ फिजिकल वर्कर्स एंड एफिशिएंसी क्या है हर एक वर्कर की. सो इस न्यू प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर ये बेसिकली हमें स्टेट करता है कि जो हमारा टोटल आउटपुट है वो डिपेंड करता है ऑन द स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड नंबर ऑफ इफेक्टिव वर्कर्स कितने हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव वर्कर्स कितने हैं. सिंस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है वो क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इंक्रीज हो रहा है. सो एंड नंबर ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से एफिशिएंसी जो है वो वर्कर की इंक्रीज हो रही है. सो दैट इज बेसिकली हमारा लेबर ऑग्यूमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. जब हमारा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से जो लेबर की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो रही है दैट इज बेसिकली कॉल्ड लेबर ऑग्यूमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. सो अब इसके अंदर वील बी डिवाइडिंग दिस बाय किससे डिवाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव वर्कर्स कितने हैं इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ एफिशिएंट वर्कर. इसको डिवाइड करेंगे, इसे इसी से डिवाइड करेंगे विल गेट वन. सो स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, एट स्टेडी स्टेट दिस वी कैन डिपिक्ट बाय आउटपुट पर हमारे इफेक्टिव वर्कर. क्या होगा, आउटपुट पर इफेक्टिव वर्कर. उसके अंदर हमने बोला था आउटपुट पर वर्कर, यहाँ पे क्या होगा आउटपुट पर इफेक्टिव वर्कर. ये कैपिटल क्या होगा, कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर. सो एट स्टेडी स्टेट हमारा ये तो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या है इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट पर इफेक्टिव वर्कर इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर. ठीक है, स्टेडी स्टेट पर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट किसके बराबर हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी हमारी ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी. सो हियर अब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी आ रहा है तो हम उसे इसके अंदर हमारा जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है उसकी वजह से जो एफिशिएंसी बढ़ रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है एफिशिएंसी की कैपिटल के अंदर, उसकी वजह से हमारा एक जी कॉम्पोनेंट भी आ जाता है. सो इसके अंदर अब जो हमारे कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे दैट विल बी थ्री कॉम्पोनेंट्स. पहला हमें पता है इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर क्या लग रही है, कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन का रेट इनटू कैपिटल स्टॉक और कैपिटल क्या, कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर. दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट. सेकेंड एलिमेंट क्या होगा,
इन्वेस्टमेंट जो कि रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस जो कि ज़रूरी है फॉर न्यू वर्कर, जो उसको एक कैपिटल चाहिए टू प्रोवाइड न्यू वर्कर विद द कैपिटल. सो दैट इज बेसिकली हमारा एन के ऊपर हमने ये लगा दिया हैट, विच इज हमारा जो कि पॉपुलेशन का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की वजह से जो हमारा चेंज है दैट इज दैट थिंग. अब ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी, जो ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड है इफेक्टिव वर्कर के लिए, दैट इज हमारा जी के हैट. देयरफॉर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है रिक्वायर्ड है कि कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर जो है वो कांस्टेंट रहे. सो सिंस स्टेडी स्टेट पे कोई भी चेंज नहीं होता कैपिटल के अंदर, जो चेंज है कैपिटल के अंदर वो दैट इज ज़ीरो, चेंज इन कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर हो जाएगा इस केस में वो ज़ीरो होता है. सो इट इम्प्लाइज कि स्टेडी स्टेट पे इन्वेस्टमेंट किसके बराबर हो जाएगा, जो ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट है, ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा. सो एस ऑफ एफ ऑफ के मतलब इफेक्टिव कंपोनेंट आ जाता है, विच इज इक्वल टू एन, माइनस भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं, प्लस एन वाला कंपोनेंट, जी वाला कंपोनेंट एंड कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो लग रही है इनटू जो कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो. सो व्हाट वील एग्जैक्टली गेट, एस डिवाइड बाय एन प्लस हमारा डेप्रिसिएशन का रेट इनटू जी इज इक्वल टू के हैट डिवाइड बाय एफ ऑफ के हैट. सो दिस वील गेट एग्जैक्टली एट स्टेडी स्टेट हमारा क्या होगा, जो कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ग्रोथ रेट जो कि हमारी पॉपुलेशन में है प्लस जो इफेक्टिव वर्कर का जो कंपोनेंट है दैट इज देयर एंड ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट का फंक्शन है एस ऑफ एफ ऑफ के हैट, विच इज हमारा इन्वेस्टमेंट पर इफेक्टिव वर्कर. सो दिस वुड बी द स्टेडी स्टेट व्हेन देयर विल बी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. सो जब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगी तो सोलो मॉडल बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं सस्टेन्ड ग्रोथ इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो इवन व्हेन इकोनॉमी जो है वो स्टेडी स्टेट पे है, सो टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोग्रेसिव रेट पे बढ़ रही है, दैट इज जी. टेक्नोलॉजी किस रेट से बढ़ रही है, प्रोग्रेसिव रेट जी से बढ़ रही है, एट ए रेट जी. द टोटल स्टॉक ऑफ कैपिटल जो है एट कितने रेट से बढ़ेगा, जो टोटल स्टॉक ऑफ कैपिटल है दैट विल इंक्रीज बाय एन प्लस जी के रेट से बढ़ेगा, वाइल कैपिटल पर वर्कर जो है वो इंक्रीज करेगी, कैपिटल पर वर्कर जी रेट से बढ़ेगी. सिमिलरली स्टेडी स्टेट पे जो हमारा एग्रीगेट आउटपुट है या जीडीपी है वो इंक्रीज करेगी एट ए रेट एन प्लस जी, वाइल जो हमारा जीडीपी है दैट विल इंक्रीज एट ए रेट ऑफ जी. ठीक है, सो फ्रॉम दिस हम कंक्लूड कर सकते हैं सोलो मॉडल के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ है जीडीपी के अंदर वो डिटरमिन होती है दो फैक्टर्स से. पहला हमारा क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, एंड द अदर इज पॉपुलेशन की ग्रोथ. ऑन द अदर हैंड जो हमारा ग्रोथ है आउटपुट मतलब जीडीपी का पर कैपिटल वो डिटरमिन होता है किससे, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ रेट से होता है. सो अकॉर्डिंग टू हमारा जो सोलो मॉडल है ओनली टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है वो एक्सप्लेन किससे करता है, सस्टेन्ड ग्रोथ को. हमने पहले बोला था सस्टेन्ड ग्रोथ को, पीछे हमने बोला था वो सस्टेन्ड ग्रोथ को नहीं एक्सप्लेन कर सकता पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट, बट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से सोलो मॉडल बोलता है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से हम सस्टेन्ड ग्रोथ
और परमानेंट राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, सस्टेन्ड ग्रोथ एंड जो परमानेंटली राइजिंग जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है उसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से जो एक क्राइटेरिया है जो हमारा गोल्डन रूल का, वो भी थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है. और उसके अंदर हमें क्या रिक्वायर करते हैं, दैट अगर हमें कंजम्पशन को मैक्सिमाइज करना पर वर्कर, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है कैपिटल का मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट, डेप्रिसिएशन का रेट एंड टेक्नोलॉजिकल का प्रोग्रेस. सो हमें पता है जो हमारा क्या होता है गोल्डन रूल पे क्या होता है, वाई क्या होता है सी प्लस आई, वेर सी गोल्डन रूल पे क्या होता है ऐसा स्टेडी स्टेट जहाँ पर कंजम्पशन क्या होता है मैक्सिमम. सो सी इज इक्वल टू वाई माइनस आई, सो सी स्टार इक्वल्स टू एफ ऑफ के स्टार माइनस एन प्लस, मतलब ये हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट, डेप्रिसिएशन रेट, टेक्नोलॉजिकल का प्रोग्रेस इनटू कैपिटल स्टॉक. सो वेयर हमारा क्या बोला गोल्डन रूल थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है और वहाँ पे कंजम्पशन मैक्सिमाइज हो जाती है पर वर्कर, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है इसको हम डेप्रिशिएट करेंगे. व्हाट वील गेट इज, इसको डेप्रिशिएट करने के बाद वील गेट दिस ओनली, कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है इज इक्वल टू जो हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, जो डेप्रिसिएशन का रेट है एंड हमारा प्रोग्रेस टेक्नोलॉजिकल का प्रोग्रेस इज बेसिकली दैट. इक्वेट इसे हम कर देते हैं जीरो से फर्स्ट डेरिवेटिव लेके, सो इट वुड बी लाइक दिस, विल गेट द सेम थिंग दैट आई रोट हियर. आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट ये. सो इस केस में जो हमारा स्टेडी स्टेट होगा गोल्डन रूल का स्टेडी स्टेट, दिस इज हमारा स्ट्रेट लाइन, जो हमारा एन है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डेप्रिसिएशन का रेट प्लस हमारा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इनटू कैपिटल स्टॉक. इसके अंदर क्या कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर विच इज डिपिक्टेड बाय के हैट, एंड दिस इज हमारा आउटपुट पर इफेक्टिव वर्कर इज इक्वल टू हमारा के हैट. सो दिस इज हमारा स्टेडी स्टेट हो जाएगा. सो दिस इज वेयर वील गेट कि ऐसा स्टेडी स्टेट जहां पर हमारा कंजम्पशन जो है दैट इज मैक्सिमम, ये हमारा गोल्डन रूल हो जाएगा. सो सोलो मॉडल के अंदर हमने पहले देखा था कि वाई क्या होता है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, आउटपुट पर वर्कर इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल पर वर्कर. तो सोलो मॉडल ने अज्यूम किया था कि स्टेडी स्टेट पे इकोनॉमी जो है विल बी प्रोग्रेस किस पर रेट पर करेगी, जीडीपी पर कैपिटा के रेट से बढ़ेगी. जो स्टेट स्टेडी स्टेट है उस पर कैसे प्रोग्रेस करेगी, एट अ रेट ऑफ जीडीपी पर कैपिटा एट अ रेट एग्जोजनसली डिटर्मिंड. कैसे करेगी, एग्जोजनसली डिटर्मिंड बाय टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ग्रोथ रेट. सो इसका मतलब ये है कि इस मॉडल के अंदर सिंपली अज्यूम किया जाता है देयर इज अ गिवन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, बट वो फॉल कर जाता है, बट इट मतलब बेसिकली फेल्स, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि किसकी वजह से टेक्नोलॉजी, मतलब बेसिकली व्हाट डिटरमिन्स टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ग्रोथ रेट, क्या चीज़ डिटरमिन करती है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का ग्रोथ रेट को. सिमिलरली इस मॉडल के अंदर अज्यूम किया जाता है कि जो ग्रोथ है इकोनॉमी की वो डिटरमिन होती है एग्जोजनसली, मतलब बाहर से गिवन है, इसमें कुछ चीज़ अपने आप वो नहीं हो रही. रोमर में हम देखेंगे कि वो एंडोजनस है,
जो टेक्नोलॉजी जो एफिशिएंसी है दैट इज बीइंग क्रिएटेड, इसके अंदर नथिंग इज बीइंग क्रिएटेड, इट्स जस्ट गिवन कि टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट हो रही है हो रही है, बट दैट बेसिकली अ ड्रॉबैक कि एग्जॉजनसली गिवन है कि हो रही है. सो इकोनॉमी इज डिटर्मिंड एग्जॉजनसली गिवन कि हमारी प्रोग्रेस क्या है, एग्जॉजनसली गिवन सेविंग रेट क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है. देयरफॉर जो हमारा सोलो मॉडल है दैट इज एग्जॉजनस ग्रोथ मॉडल है, एग्जॉजनस ग्रोथ मॉडल है. द इंडोजनिटी पार्ट जो उसका मतलब कैसे चीज़ें आई क्या हुआ दैट एस्पेक्ट जो है वो नहीं कवर होता है. सो एस्पेक्ट्स जैसे कि हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड कि इंडोजन जो हमारा इंडोजनस ग्रोथ रेट है जो कि एक्सप्लेन करता है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को, वो अच्छे से नहीं गिवन, एग्जॉजनसली गिवन है. आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऑल दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स गिव अस मोटिवेशन टू वर्क फॉर यू गाइस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.